जेड़े महल्ले वाले उरे इकट्ठे हुए हैं उन्हां वल्लों जिहड़ी है गड्डियां जिहड़ियां अज विरोध किया जा रहा है इस चीज़ का कि ये गड्डियां नूं असीं जिहड़ा है उरतों नहीं लंघन दवांगे क्योंकि उरे स्कूल नेड़े स्कूल भी पैंदे आ बच्चे तुसीं देख सकते हो कि कॉलेज स्कूलों के बच्चे जिहड़े हैं उरे तो लंघदे आ ते कदी भी कोई वड्डा हादसा हो सकता है। ये नमक का रैक लगे हुआ है ते फुल ओवरलोड गड्डियां जिहड़ियां उरतों लंघ रही जिहड़ी सड़कों का भी नुकसान कर रही हैं ते कदी भी कोई भी वड्डा हादसा जिहड़ा है उरे देखण नूं मिल सकता है। विरोध प्रदर्शन जिहड़ा चल रहा है ये लोगों वल्लों अज राजपुरा दे इस्लामपुर रोड ते रहण वाले लोगों ने रेलवे विभाग दे वल्लों लाए जाण वाले नमक दे रैंक दे विरोध दे विच रोस प्रदर्शन कीता है। इस्लामपुर रोड ते रहण वाले लोगों ने दोष लगाया कि जदों भी रेलवे विभाग दे वल्लों इत्थे किसी भी चीज़ का रैक लगाया जाता है तो ओवरलोड ट्रक रिहायशी इलाकों दे विचों निकलते हैं जिसके कारण इत्थे कोई वड्डा हादसे होने का डर भी बनिया रहिंदा है। उन्हें कहा कि इस सड़क ते कॉलेज अते स्कूल बने हुए ने जिस दे विच रोजाना सैकड़े बच्चे आंदे जांदे ने ते इन्हां ओवरलोड ट्रकां दे कारण जिथे बच्चों की जान नूं खतरा बनिया होया उथे ही इन्हां लून दे नाल भरे ट्रकां दे कारण सारा पानी सड़क ते डिगदा रहिंदा है जिस कारण नाल लगते दरख्त अते पौद्यां दा काफी नुकसान हो रहा है। उन्हें कहा कि जदों तक साडी समस्या का हल नहीं हो जाता असी अजिहे ट्रकां नूं रोक के रोस प्रदर्शन करते रहांगे। इस मौके न्यूज 89 पंजाब दे उपरोक्त व्यक्तियों दे नाल विशेष तौर ते गलबात की गई है। आओ तुहानू सुणाउंदे इस मौके ते उन्हां दा की कुछ कहना सी। मैं संदीप चौधरी तुहाडा स्वागत करता न्यूज 89 पंजाब न्यूज चैनल ते ते असीं खड़े हाँ इस्लामपुर रोड ते तुसीं देख सकते हो रोड जिहड़ी है काफ़ी व्यस्त रहिंदी है और काफ़ी जिहड़ा आना जाना लोगों का लग्या रहिंदा। लेकिन मैं तुहानूं दसदा अज असीं किस मकसद वास्ते अज उरे आए हैं। ये तुसीं देखते हो कि इस्लामपुर रोड ते जिहड़े मकान बने हुए कोठियां बनी हुई उरे रहिंदे आ रहायशी इलाका हैगा ये ते ये जिहड़ी रोड हैगी ये सरहंद बाईपास जिहड़ा हैगा उहनूं कनैक्ट करदी है तो राजपुरा दे विच कई समस्यावां दा जिहड़ा हैगा गल चल रही है क्योंकि उरे एक पुल का निर्माण हो रहा है वह हजे जिहड़ा पुल है विच जिहड़ा रुकिया होया उस करके जिहड़ी प्रॉब्लम सब तो ज़्यादा जिहड़ी है खड़ी हुई है। इन्हां दी प्रॉब्लम यह है कि उरे तो जिहड़ा नेड़े रेलवे लाइन है उरे रैक लगते हैं रैक करके जिहड़ी है ओवरलोड गड्डियां जिहड़ियां हैगियां तुहानूं मैं दिखा रहा देखो तुसीं नमक दीआं गड्डियां हैगियां ये फुल ओवरलोड हैगी तो जबकि सरकार वालों कहा हो कि ओवरलोड माल जिहड़ा है गड्डियां दे विच नहीं पाना ये फुल ओवरलोड गड्डियां जिहड़ियां हैगियां रिहायशी इलाके दे विचों लंघदियां ते कदी भी कोई भी वड्डा जिहड़ा हादसा उरे हो सकदा ओवरलोड गड्डियां करके ते इन्हां नूं जिहड़ा है रोकण वास्ते प्रशासन जिहड़ा है बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है। कित्थे तक गड्डियां अज इन्हां ने जिहड़ा है जिहड़े महल्ले वाले उरे इकट्ठे हुए हैं उन्हां वल्लों जिहड़ी है गड्डियां जिहड़ियां अज विरोध किया जा रहा है इस चीज़ का कि ये गड्डियां नूं असीं जिहड़ा है उरतों नहीं लंघन दवांगे क्योंकि उरे स्कूल नेड़े स्कूल भी पैंदे आ बच्चे तुसीं देख सकते हो कि कॉलेज स्कूलों के बच्चे जिहड़े हैं उरे तो लंघदे आ ते कदी भी कोई वड्डा हादसा हो सकता है। ये नमक का रैक लगे हुआ है ते फुल ओवरलोड गड्डियां जिहड़ियां उरतों लंघ रही जिहड़ी सड़कों का भी नुकसान कर रही हैं ते कदी भी कोई भी वड्डा हादसा जिहड़ा है उरे देखण नूं मिल सकता है। विरोध प्रदर्शन जिहड़ा चल रहा है ये लोगों वल्लों ये जिहड़े महल्ले वाले जिहड़े खड़े हैं इन्हां दा आपां गलबात कर लैने कि आखिर मामला की है। नमक देख तो तुसीं देखदे हो जद गड्डियां उरतों लंघदियां पेड़ां दे उत्ते जद जिहड़ी टाणियां लगी हुई तुसीं देख सकते हो कि पूरी सुक चुकी हैं हरी भरी तां टाणियां नमक करके ते जद नमक दे नाल टकरांदियां ते नमक जिहड़ा है सड़क ते गिरदा है ये कदी भी कोई भी वड्डा उरे हादसा हो सकता है कोई भी वहीकल जिहड़ा स्लिप कर सकता आपां गलबात कर लैने आ। भाउ जी की मामला? वीर जी मामला यह है कि लगभग एक साल तो इन्हां दा नमक दा रैक लग रहा है जिहड़ियां कित्थों निकलदे टिप्पर निकलदे ओवरलोड निकलदे हैं और पहला इस्लामपुर तो निकल रही सी बट हुण इस भगत सिंह कलोनी तों होकर निकल रही हैं फिर ओवरलोड होकर निकलदियां और नमक इन्हां दे सड़क ते गिरदा जांदा है। नमक गिरने नाल इन्ने हादसे हो रहे हैं स्कूटर मोटरसाइकिल ते लापर इन्ने गिरने पुछे ही ना तुसीं फिर उस तों मगरों इह उड़ उड़ के घर जा रहा है प्लस उस तो बाद इनवायरमेंट आप देखो पेड़ सारे सुक गए सारे एरिए से कोई पेड़ पौधा नहीं रहा सड़क के किनारे सारे बुरे हाल हो गए जी और एक्सीडेंट तो बेतहाशा ने एक बरसात पै जाए ना बरसात के नाल बंदे गिरे हुए हैं सो प्लीज़ इन बंद किया जाए तो कि जिस टाइम बरसात होएगी नमक जब घुलेगा पानी के पेड़ों की जड़ों के जाएगा तो मैं तुम दसदा कि जब नमक जोड़ा है ये जब घुलेगा घुलन तो बाद क्योंकि उरे सफाई किसी ने नहीं करनी जब ये नमक घुलेगा ये नमक जोड़ा है हरे भरे पेड़ों के जड़ों के जाएगा तो जो पेड़ है वो सुकते हुए तुम्हें नजर आएंगे सुक रहे पेड़ तो की कहना चाहोगे प्रशासन तो की मंग कर प्रशासन तो यही मंग है जी कि बेसिकली इन्हों को जगह बाहर अलॉट की जाए
रेजिडेंशियल एरिया वाल ना अलॉट करके, क्योंकि इसी सारे जिन्हें भी घर हैं सारे इस चीज़ तो परेशान हो गए, इन्होंने प्लीज़ कोई बाहर की जगह अपॉइंट की जाए, उरे रस्ता बंद किया जाए। भाजी की कहना चाहते हो? क्यों मैं तो सर इस गलों कट्ठे हुए हाँ भी नमक के जो मतलब ये लग रहे रेक उरे सर ओवरलोड ट्रक जाते देख लिया सारा कुछ इतने सारी सड़क के उपर नमक गिरते जाते सर वो पूरे मेन रोड तक है। कोई नुमाइंदा थोड़ा मतलब गौरमेंट का नहीं आया, कोई साडा वार्डन जो है मालिक वो नहीं आया है। तो प्लस सर देखो इस्लामपुर का जोड़ा रोड है बाईपास तो सिर्फ 300 मीटर है ठीक है सर, इधर ही जाते 8 किलोमीटर पिंड तय करके कारण पिंड ने डंडे सोटे लैके इन्हों उतों भजाया, इन्होंने शहर के गड्डिया पाड़ती अपनी, इतने कोई बोलता नहीं है, सारे की हालत माड़ी है जाके देख लो। स्कूल है स्कूल सर बिल्कुल दो सर दो स्कूल एक कॉलेज कोई परवाह नहीं, दिन रात इन्हें गड्डिया चलदिया ओवरलोड चलदिया ने सारे पास नमक नमक मौके नहीं देख सकते। गड्डिया के मालिक उरी खड़े ने तुहाडे सामने तो गल कर लो वो तो यह कह रहे हैं भी असी साडा लास्ट रेक है जी ये असी सफाई करा देंगे अगे नूं असी कॉलेज जा रहे नहीं जा रहे सानू कोई नहीं पता। वड्डी समस्या हैगी उरे कुछ ट्रकां दे जिहड़े है मालक वह भी उरे मौजूद हैं लेकिन वो कुछ भी मीडिया नाल गल करन वास्ते मना कर रहे हैं कि असी गल नहीं कर सकते, तो आप इन्हां नाल ही गल करदे हां। तो आप की कहना चाहोगे की परेशानी है जी तुहानूं? सब तो ज्यादा परेशानी तो यदि इस तरह भी उरे नूं स्कूल के बच्चे बहुत लंघते हैं, कॉलेज के लंघते हैं, कलोनी वालों के घर उड़ उड़ के बढ़ता है, एक्सीडेंट ये बहुत होंगे हैं। देखो ओवरलोड गड्डियां जा रही सारिया ये सड़क भी टुट गई, जबकि यह शहर की मेन सड़क है शमशान घाट में जाती है, सारे शहर के इधर आते हैं लोग टुटी पई है सड़क, इन्होंने सारी सड़क तोड़ती। गड्डियां रोकी हैं ये गड्डियां किस तरह तुम जान दोगे और तो क्यों गड्डिया रोक यहाँ कोई मसला पक्का परमानेंट हल होना चाहिए तो ही छुटन गई गड्डियां रोकी हैं जी अब मसला किस तरह हल होगा हूँ एस डी एम साहब शिकायत की डी एस पी साहब? नहीं असी कोई नहीं की जी, असी एक दिन पहला एक बार पहला अज तकरीबन 3 महीने पहला भी रिक्वेस्ट भेजी सी बट वो कोई जिम्मे रेलवे डिपार्टमेंट ने भी रिक्वेस्ट की सी उन्होंने ये कहना सी साडा हाथ खड़े हैं अंबाले तुम चले जाओ अंबाले वाले ही ਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਨੋਲੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੋਲੇਜ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਰੀ ਖੜੀ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सो तुसी देख रहे हो कि मैं तुहानू एक बारी फिर सारी गल दस देव कि अज असी उरे इस्लामपुर रोड ते क्यों आए हैं, क्योंकि ये ओवरलोड जिहड़ियां गड्डियां हैगियां ये लगातार जिहड़ियां हैगियां उर तो रिहायशी इलाके दे विचों लंघदियां ते लोग जिहड़े हैं काफ़ी इन्हां तो परेशान है ते नमक दियां गड्डियां लद्दियां हुई हैं ते प्रशासन वल प्रशासन नू इन्हां वल कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा ते कभी भी कोई वड्डा हादसा जिहड़ा हो सकता है। नमक जब बारिश आती है तो घुल के जिहड़ा है पेड़ां दे विच पेड़ पौधे जिहड़े नाल लगे हुए उन्हां दे विच जांदे ते पेड़ पौधे जिहड़े है सुक जांदे तुसीं तुहानूं असीं तस्वीरां दे विच दिखाया हुण देखना यह होएगा मल्ले वाले ने जिहड़ी है गड्डियां रोकिया हुई हैं यह मसला कद तक हल हुंदा है ते प्रशासन कद जागदा ते इन्हां दा जिहड़ा है मसला हल प्रशासन कद तक करदा है। कैमरामैन मोहित दे नाल संदीप चौधरी न्यूज़ 89 पंजाब।